Hello everyone, this is Shilpi and you are watching the Exhibitsy Mom. In today's craft video, I am going to make one Buddha model. वो भी किस पर? एक वेस्ट वुडन लॉग बोल सकते हैं उस पर. एक्चुअली क्या हुआ ना, एक कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही मतलब मेरे को अचानक मैं ऐसे क्रॉस कर रही थी तो मैंने देखा कि एक जगह है जहाँ पर जो प्योर वुड जो लकड़ी काटने वाले होते हैं ना वैसे लोग हैं और बड़ा सा फैक्ट्री है. तो मेरे ब्रदर ने वहाँ से कुछ वुडन लॉक्स मंगवाए थे कुछ वॉल आर्ट बनाने के लिए. उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कुछ दिन बाद, बिकॉज वो इन प्रोसेस है, अभी तक बना नहीं है. एक बार बन जाए तो देन आई विल शेयर द वीडियो. बट हाँ, जो बात मैं बोलना चाहती थी वो है कि जब हमने अराउंड 6 वुडन लॉक्स मंगवाए थे तो क्या हुआ ना, एक वुडन लॉक्स हाफ कट आई थी. तो मैंने सोचा इस हाफ कट का क्या करें. देन आई गॉट द आइडिया कि चलो इसको हम किसी तरह यूज़ करते. तो मैंने उसका यूज़ करते हुए एक बुद्धा मूरल बनाया जिसे आप टेबल पर रख सकते हैं. आप चाहे तो उसे वॉल पे हैंग भी कर सकते हैं, बट मैं उसे वॉल पे हैंग नहीं करूँगी बिकॉज मुझे उसे फिक्स नहीं करना है. मुझे मतलब ऐसा है कि जब मुझे मन आए तो मैं बालकनी में रखूँ, जब मन आए तो लिविंग रूम में रखूँ, इसलिए मैं उसे टेबल टॉप की तरह ही यूज़ करूँगी. तो बहुत आसान है. और सपोज़ आपके पास वुडन लॉक्स नहीं है तो आप किसी भी तरह के वुड पे बना सकते हैं. आप चाहे तो वुडन चॉपिंग बोर्ड्स पे भी बना सकते हैं. तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि मैंने किस तरह ये बुद्धा मूरल बनाया. इस क्राफ्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये जो हाफ लॉग ले लिया, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बाकी सारे लॉग के साथ एक ये हाफ कट लॉग आ गया था मेरे पास, तो मैंने उसको लिया. और इसको सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत रफ़ रहते हैं ना, जो एजेस रहते हैं वो बहुत रफ़ होते हैं. तो मैं पहले सैंड पेपर से अच्छी तरह से उसे घिस कर स्मूथ कर ले रही हूँ, अदरवाइज़ हम इस पर मूरल नहीं बना पाएंगे. देखिए इस तरह से मैंने पूरे सैंड पेपर से घिस लिया. देन मैं एक पेंसिल की मदद से एक बुद्धा का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँगी और फिर मैं परमानेंट मार्कर की मदद से उसे थोड़ा डीप कर दूँगी, क्योंकि वुड पर ये रॉ वुड है ना, तो इस पर मैं अगर पेंसिल से मार्क करके रखूँगी तो शायद दिखेगा नहीं. इसलिए थोड़ा प्रोमिनेंट बनाने के लिए मैंने परमानेंट मार्कर से इसको आउटलाइन कर लिया. ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे बुद्धा को, ये एक सीटिंग बुद्धा है मतलब वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था. अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें मैं बुद्धा को, ये देखिए इस तरह से मैंने एक सीटिंग बुद्धा बनाया. देन मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर लूँगी और उससे मैं बुद्धा को पेंट करूँगी, कम्प्लीटली पेंट करूँगी. सिर्फ जो बुद्धा का ड्रेस रहेगा उसे मैं ऑरेंज एक्रेलिक कलर से पेंट करूँगी. ये देखिए पूरे बुद्धा के बॉडी को मैंने अच्छी तरह से ब्लैक एक्रिलिक कलर से पेंट कर दिया. अब मैं बुद्धा के ड्रेस को पेंट कर रही हूँ. मैंने ग्रीन कलर, ग्रीन एक्रिलिक कलर की मदद से इस तरह से मैंने ट्री के ब्रांचेस पेंट कर लिए हैं. देन मैं रेड एक्रिलिक कलर लूँगी और उससे ब्रश को मतलब ऐसे डैप करते हुए मैं लिप्स या फ्लावर्स जो भी है वो मैं बना रही हूँ. जो जैसे गुलमोहर के होते हैं ना छोटे छोटे फ्लावर्स एक साथ में गुच्छे में, उसी तरह का इफ़ेक्ट लाने के लिए मैं ब्रश को डैप करते हुए बना रही हूँ ये पेंटिंग. पहले रेड किया, फिर मैं
येलो एक्रिलिक कलर उसके ऊपर मैं डैप कर रही हूँ। अब नेक्स्ट जो हमने बुद्धा का जो स्ट्रक्चर बनाया था उसको थोड़ा मेटलिक लुक देने के लिए मैंने ब्रॉन्ज कलर को लिया और ड्राई ब्रशिंग किया। जो बुद्धा का जो भी बॉडी पार्ट जिसे मैंने ब्लैक एक्रिलिक कलर से पेंट किया था उसे मैं ब्रॉन्ज कलर से अब ड्राई ब्रशिंग कर रही हूँ। अब ड्राई ब्रशिंग करने के बाद मैं बुद्धा के जो स्ट्रक्चर उसको हाईलाइट करना है उसके लिए मैंने जो ब्लूइश कलर का जो थोड़ा मेटेलिक ब्लूइश कलर होता है उससे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। उसी तरह मैं ग्रीन एक्रिलिक कलर से फिर से मैं ये ट्री के जो फ्लावर्स बनाए थे उस पर मैं थोड़ा सा डैप करूँगी ताकि थोड़े बहुत फ्लावर्स के बीच में से लिप्स दिखे। तो इस तरह से मैंने बुद्धा के मूरल को पेंट कर लिया। ये मेरा हाफ पार्ट हुआ मूरल का। ये देखिए ये जो सिटिंग बुद्धा यहाँ तक मेरा फिनिश हो गया। बुद्धा फिनिश है देन ट्री भी फिनिश हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे मूरल का। मैं एक्चुअली इस मूरल में बुद्धा के पास एक प्लांटर बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने मिल्क मेड जो आती है उसका एम्प्टी टीन को लिया, अच्छी तरह से क्लीन कर दिया और फिर उसे चॉक पेंट की मदद से मैंने बेस कलर पेंट कर दिया। फिर उस पर मैं थोड़े बहुत लिप्स ड्रॉ करूँगी। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं बुद्धा रिलेटेड। मुझे लगा बुद्धा रिलेटेड है, थोड़ा ग्रीनरी है, बिकॉज पीसफुल रहता है, जैन वाइब्स है, तो इसलिए मैंने लिप। और फिर ऑरेंज कलर की मदद से एक छोटा सा क्यूट सा फ्लावर ड्रॉ कर दिया। बिकॉज मुझे अल्टीमेटली मेरा जो मूरल का थीम है वो है पीस, तो इसलिए मैंने वही सारी चीज़ें ड्रॉ किए या पेंट किए जो पीसफुल वाइब्स देते हैं। मैं गोल्डन कलर से जो लिप्स है उसको आउटलाइन कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा हाईलाइटेड हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैं कैन को सिंपल सिर्फ यही वाला एक ड्राइंग पेंट कर रही हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करूँगी। पेंट हो जाने के बाद मैं इस कैन का हैंडल बनाऊँगी। उसके लिए मैंने 6 mm मैक्रम थ्रेड लिया जो प्योर कॉटन मैक्रम थ्रेड होता है और उसको मैंने हॉट ग्लू की मदद से दोनों साइड में स्टिक कर दिए, क्योंकि मुझे ये जस्ट हैंग करना है। जो हमारा वुडन स्लाइस है लॉग उस पर मुझे हैंग करना है। और एक बात मैं तो ये बोलना भूल ही गई, जब मेरे पास ये हाफ लॉग आ गया था ना तो मैंने क्या किया, नीचे से उसके बार्क निकाल दिए थे। वो भैया जिन्होंने मुझे डिलीवर किया था उनको बोल के मैंने नीचे का बार्क निकाल दिया था ताकि ये जो वुडन स्लाइस है वो अपने आप खड़ा हो सके। तो अब हमारा बुद्धा बन गया, बुद्धा के साइड में रखने के लिए प्लांटर भी बन गया। अब हम दोनों को स्टिक अटैच करेंगे। ये बुद्धा के पास मैं इस प्लांटर को हैंग कर दूँगी और फॉर सेकेंड सपोर्ट मैं उसको पीछे से हॉट ग्लू की मदद से स्टिक भी कर दूँगी। देन मैं इस पर प्लांट्स लगाऊंगी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये बुद्धा मूरल का आइडिया? बहुत ही सिंपल है बट हाँ वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए बनाया, थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग सा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और
होपफुली आप सबको भी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के बहुत सारे आइडियाज जो वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए हम किस तरह से होम डेकोर बना सकते हैं क्या, तो बहुत सारे आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरे क्रिएटिव आइडियाज़ और मेरे DIYs अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं ही फिनिश करती हूँ, फिर मिलती हूँ बहुत सारे बहुत नए नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।